गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। छुट्टियों में आपने खूब एंजॉय किया होगा और जो मैंने आपको लेसन्स दिए थे डांस के वो भी आपने प्रैक्टिस किए होंगे। मैंने आपको टुकड़े तोड़े, चक्रदार तोड़े और आपको मैंने रंगमंच प्रणाम सिखाया था पिछले क्लासेस में, और एक हमने भाव किया था जो कि गुरु वंदना थी। होप आपने प्रैक्टिस की होगी और कर रहे होंगे। और आज मैं आपको तीन ताल में ही आमद सिखाऊंगी। आमद एक खास बोल होता है तीन ताल में, जो कि विलंबित लय में नाचा जाता है, ठीक है ना, जिसको हम थाट के बाद नाचते हैं। और बहुत धीमी गति की जो लय होती है, विलंबित लय, आपने सीखी है। तीनों लय मैंने आपको पिछली क्लासेस में सिखाई हैं। और थाट के बाद जब सम से शुरू करके सम पर एक बोल नाचते हैं उसको हम आमद कहते हैं, ठीक है। तो ये है, आज हम सीखेंगे सादी आमद, जो कि तीन ताल में है और विलंबित लय में है। आपको मैं एक बार और बताऊं, आपको मैंने पिछली क्लासेस में सिखाया था इन चिन्हों के बारे में। क्रॉस का मतलब होता है सम, ठीक है ना। दो का मतलब तो दूसरा विभाग, जो इसके अंदर चार विभाग होते तो तीसरे विभाग पर जीरो है खाली, और ये चौथा विभाग और लास्ट में फिर सम। तो ये सम से शुरू होकर सम पर खत्म होगा। जैसा कि आप जानते हैं तीन ताल में 16 मात्राएं होती हैं, ये भी 16 मात्रा पर बंधा हुआ है। देखिए, एक मात्रा ये ता और थई को मैं नीचे चांद लगा दिया, इसका मतलब इसको एक साथ पढ़ना है। तो ता थई तत थई, तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, और ये सम पर खत्म होता है वो, ठीक है बच्चों। इस ये जो एक चिन्ह मैंने लगाया है जो कि अंग्रेजी के एस की तरह दिखता है, यहाँ पर हमको थोड़ा रुकना पड़ता है, ठीक है। इसको हम गैप बोल सकते हैं, परंतु जब हम नाचेंगे तो इसको गैप नहीं बोलेंगे, पर अब जब हम पढ़न करेंगे सीखने के लिए हम इसको गैप बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगी और आप मेरे साथ साथ इसको बोलेंगे। और ये जो पूरा बोल है आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप पूरा अपनी नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ता थे तत थे आ थे तत थे थे तथे तथे थे थे तत तत ता गैप ता थे थे तत तत्ता तत तत्ता तत तत्ता। एक बार मैं फिर से पढ़ती हूँ, इस लाइन को जरा ध्यान से देखिएगा। ता थे तत थे आ थे तत थे थे तथे तथे थे थे तत तत ता गैप ता थे थे तत तत्ता तत्ता, ठीक है। इसको अभी हम ताली खाली के साथ यानी कि ठेके के साथ पढ़ेंगे। तीन ताल का ठेका है धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा ता थे तत थे आ थे तत थे थे तथे तथे थे थे तत तत ता गैप ता थे थे तत तत्ता तत तत्ता तत तत्ता, ठीक है। तो ये बोल आप लिख लेंगे और इसका बोलना आपको मैंने सिखा दिया है। अब हम इसको नृत्य में कैसे इसको करना है, कैसे हाथ का संचालन और गर्दन और आंखों का संचालन करना है, आप मुझे देखेंगे और आप करेंगे। तो आप सब रेडी हैं, चलिए करते हैं। तो बच्चों आप लोग भूमि प्रणाम कर लीजिए, तो हम डांस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पोजीशन खड़े होने की मैंने आपको पहले बताया है, टोज अपार्ट, बॉडी स्ट्रेट रहेगी, गर्दन आंखें सामने और हाथ हराल मुद्रा में यहां पर रहेंगे, ठीक है। तो अभी पहले मैं आपको सिर्फ पैर चलाना सिखाती हूँ। तो हमारे बोल थे ता थे तत थे आ थे तत थे, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हमको राइट पैर से अपनी हरकत शुरू करनी है। तो राइट लेफ्ट राइट, ठीक है, दैट इज ता थे त त थे। उसी तरह आ थे त त थे, यानी कि लेफ्ट पैर से करना है आ थे त त थे, ठीक है। मैं फिर से बताती हूँ, राइट लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट राइट लेफ्ट, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, क्लियर। तो अब इसको बोल के साथ करेंगे, ता थे त त थे आ थे त त थे, ठीक है।
अब मैं इसका हाथ चलाने का ढंग आपको बताऊंगी, हाथ कैसे चलाना है। राज मुद्रा में रख सकते हैं हाथ या अंगूठे को अंदर रखते हुए सारी उंगलियां जुड़ी हुई, यहां से हाथ चलेगी, ठीक है आपका। ता थे त थे, यानी कि हाथ उस डायगोनल कॉर्नर से बिल्कुल सीध में हाथ दूसरा वाला लेफ्ट हैंड नीचे चला जाएगा उधर, ठीक है बच्चों। वो हाथ वहां तो ये हाथ यहाँ, उसी प्रकार लेफ्ट साइड उस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक आपको इसको जोड़ना है, ठीक है। आगे से हाथ ऐसे होना चाहिए, आ थे त त थे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, ता थे त त थे, आ थे त त थे। समझ में आ गया आपको? उसी प्रकार थे त थे, जब थे कर रहे हैं तो गर्दन और नजर उस तरफ राइट तरफ चली जाएगी, और जब आप इधर कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड आपको देखना है, और आंखें और गर्दन दोनों लेफ्ट साइड और फिर राइट साइड, ठीक है। थे त थे त थे, उसके बाद थे थे, यू हैव टू लुक अप, ऊपर देखकर थे ही हाथ लेके आना है। थे मैं फिर से दिखाती हूँ, थे त थे त थे थे थे, क्लियर। एक बार शुरू से यहां तक करते हैं हम लोग, ता थे त थे, आ थे त त थे, थे त थे त थे थे थे, ठीक है। इसके बाद त त ता गैप, ता थे थे, ठीक है। त त ता कैसे करना है? राइट लेफ्ट राइट, तीन पैर का चक्कर है। त त ता गैप, ता थे थे, ठीक है। फिर से करते हैं, त त ता गैप, ता थे थे। एक बार फिर दिखाती हूँ मैं, त त ता गैप, ता थे थे। इसके बाद लगातार तीन चक्कर, ठीक है। त त ता, त त ता, त त ता। मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गए होंगे आपको, हाथ कैसे बनाने हैं, पैर कैसे बनाने हैं, नजरें और गर्दन कैसे चलानी है। मैं आपको फिर से इसको पूरा एक बार करके दिखाती हूँ, और आप मेरे इस वीडियो के साथ इसको रोज प्रैक्टिस कीजिए, और बाकी जो बोल हैं उनको भी प्रैक्टिस करेंगे। ता थे थे तत, आ थे थे तत, ता थे थे तत, आ थे थे तत, ता थे तत थे, आ थे तत थे, थे तत थे तत थे, थे थे तत तत ता गैप, ता थे थे तत तत ता, तत तत ता, तत तत ता, थे थे तत, आ थे थे तत, ता थे थे तत, आ थे थे तत ता। तो बच्चों अब आपको इस बोल की आमद के सारे बोल आपने लिख लिए होंगे, वो मैंने आपको बोलना भी सिखा दिया, उसको ठेके के साथ पढ़न भी सिखाया है, और उसके अंक कैसे बनेंगे, उसको किस तरह से नाचना है वो भी मैंने आपको सिखाया है। तो आप ये सारी चीजें रोज अभ्यास कीजिए। जो पिछले आपके लेसन्स थे टुकड़ों के, रंगमंच प्रणाम के, और जो हमने गुरु वंदना करी थी वो, और सादे तोड़े और चक्रधार तोड़े, सभी को आप प्रैक्टिस करेंगे, और आमद को भी प्रैक्टिस करेंगे। तो अब अगले लेसन में मैं आपको आगे और सिखाऊंगी, तब तक आप इसको अभ्यास कीजिए, ठीक है।